सावन माह में कांवड़ यात्रा को सुरक्षा प्रदान किए जाने की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते हुए समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। इस मौके पर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा की पवित्रता को दृष्टिगत रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में सावन माह के दौरान मांसाहार भोजन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। महानगर में 7 जुलाई से 17 जुलाई के बीच दिल्ली रोड, रामपुर रोड पर छोटे वाहन जैसे ऑटो रिक्शा, सिटी बस का संचालन बंद कर दिया गया है, जिससे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिलाधिकारी को प्रेषित किए गए ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि ढाबा होटल पूर्णतः बंद होने से संचालकों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ बिजली, टैक्स, लेबर, दुकान किराया आदि के रूप में होने वाले खर्चे को निकालना मुश्किल हो जाएगा। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को एक दो सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारे द्वारा मांग की गई है कि सावन के माह में जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा होटल व ढाबे बंद कराए जा रहे हैं, उन होटल और ढाबों को इस शर्त के साथ खुले दिया जाए कि कोई भी मांसाहारी भोजन नहीं बेचेगा, शाकाहारी भोजन बेचने की उन्हें अनुमति प्रदान कर दी जाए। क्योंकि 2 महीने का सावन है, 2 महीने का अगर होटल या ढाबा मालिक ढाबा बंद करेगा तो उसकी जो 4-5 आदमियों की 10 आदमी लेबर है उसके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा होगा। बिजली का बिल 2 महीने का देना है और दुकान अगर किराए पर है तो किराया उसे 2 महीने का देना पड़ेगा, वो कहाँ से लेगा। हमारी मांग यह है कि उससे एक शपथ पत्र ले लिया जाए कि शाकाहारी भोजन उसे बेचना है, मांसाहारी भोजन नहीं बेचना है। दूसरी मांग हमारी है कि कांट रोड जो 7 से लेकर 17 तारीख तक बंद कर दिया गया है, उस पर स्कूली छात्र छात्राओं को, दिव्यांगों को और मरीजों को आने जाने दिया जाए, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं को कोई परेशानी ना हो। और समाजवादी पार्टी की यही मांग है कि गरीबों को हितों को देखते हुए होटल और ढाबा को खुलने दिया जाए। समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष श्री गुल, वरिष्ठ सपा नेता विजय वीर सिंह यादव, हाजी अनीसुद्दीन कातिब, कुलदीप तुरेहा, एडवोकेट तुंगीश यादव आदि लोग इस दौरान मौजूद थे।